मेरा मानना यह कि आपने अपने तर्कश में सभी के सभी तीर तैयार कर लिए होंगे। ओके, वक्त अभी आ गया कि बारी बारी से उन तीरों को निकाल के छोड़ते चला जाना है। और आपका जो ये MPPSC 2021 की परीक्षा जो 2 दिन बाद होने वाली है कि युद्ध को फतह कर लेना है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि देखिए MPPSC का हमारा जो एग्जाम है ये एक तवे के समान है ना। थोड़ा फनी वो है तरीका मेरा बताने का, बस आपको मोटिवेट करना है कि आप मोटिवेट हो जाएं, है ना। 2 दिन बाद आपका क्या पेपर है, इसी लिए MPPSC का हमारे एग्जाम का एक तवे के समान है जिस पर क्या बहुत सारे अभी कितने 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, है ना। तो प्रत्येक बच्चा इस तवे पर क्या है, रोटी सेकने के लिए आएगा। लेकिन आपको उस तवे पर रोटी नहीं सेकना है, आपको वहां पर क्या सेकना है, आलू का पराठा। ठीक है, और इस आलू के पराठे को बनाने के लिए मेरे ख्याल से हम आई मैग्नस टीम की तरफ से आपको हर प्रकार का मसाला रेसिपी परोस दी गई है ना। परोस दी गई इन द सेंस कैसे, सारी PDF जो हमने वीडियोस अब तक डाले थे, चले थे, जो आपने देखे थे, उनकी ओपन टेलीग्राम पे जो PDF अवेलेबल है, आपको इन 2 दिनों के भीतर उन PDF को 3 से 4-5 बार सरसरी निगाह से देखना है। ठीक है ना, ये जितनी बार आप उनको अपनी सरसरी निगाह से देख लेंगे वो क्वेश्चन उतनी बार आपकी नजरों से होकर चले जाएंगे। और आप ये मान के चले कि 70% मतलब मैं इतनी गारंटी रहा हूँ 65-70% क्वेश्चन वहां से रिपीट होना ही होना है, है ना। अब देखो यहाँ पे रोटी और आलू का पराठा बोला ना, रोटी यानी कि कम नंबर, आलू का पराठा मतलब कि ज्यादा नंबर, ज्यादा नंबर आएंगे तभी तो प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या उस हिसाब से करना है। और ध्यान रखना जो मसाला आपको दिया गया है आपको केवल वही मसाला, मीन्स जो PDF ओपन टेलीग्राम पे अवेलेबल है वही पढ़ना है। अब वक्त नया पढ़ने का नहीं है, यानी कि आपको अपनी तरफ से कोई नई रेसिपी इसमें या नया मसाला नहीं डालना है। ठीक है ना, टेस्ट चेंज करने के लिए, यदि आपने टेस्ट चेंज करने के लिए नया मसाला डाला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए कुलदीप सर भी आ गए हैं सामने, है ना। और कुलदीप सर की बात से पहले मैं अपनी बात को यहां खत्म करना चाहूंगा ये बात कह के हारना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है ना, PSC की परीक्षा का जो ये दूध है इससे हमें अंत में मक्खन ही मथना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।